हे गाइस, आज हम मोमोज की रेसिपी देख रहे हैं। काफी रिक्वेस्ट थी इस रेसिपी के लिए। साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि अक्सर ये मोमोज इस तरीके से स्टीम होने के बाद एकदम चपटे से, इससे सिकुड़ से, पंचर से क्यों हो जाते हैं। नो डाउट ये मोमो काफ़ी अच्छा है, मतलब सॉफ्ट है। मैं तोड़ के भी आपको दिखा रही हूँ, इसका टेक्सचर काफ़ी सॉफ्ट है। अगर आपने रेसिपी को ठीक ढंग से फॉलो किया तो आपके घर में भी मोमोज सॉफ्ट बनेंगे, हार्ड और चीवी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। मोमोज की जान, मोमोज की शान, लाल चटाकेदार स्पाइसी चटनी की रेसिपी भी मैंने इसमें इंक्लूड की है। मोमोज को 15 दिन से ज़्यादा स्टोर करने का, मतलब फ्रोजन करने का क्या तरीका हो सकता है, ये भी जानेंगे। तो बिल्कुल स्टार्ट से लेकर एंड तक आपके लिए इस वीडियो में फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन है। चलिए देख लेते हैं। आज के सारे मेजरमेंट्स मैं आपको कटोरी से करके बताऊंगी। आज हम कोई मेजरिंग कप यूज़ नहीं करेंगे, तो कोई भी आपके घर में जो कटोरी हो वो आप यूज़ करें। इसमें मैं ले रही हूँ सोया चंक्स, तो ये सोया चंक्स मैंने ले लिए। आप इसकी जगह ग्रैन्यूल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मेरे पास ग्रैन्यूल्स नहीं है तो मैं क्या करूँगी, इन चंक्स को मिक्सी जार में लेके हमें हल्का दरदरा सा पीस लेना है, हल्की पाउडर बना लेनी है। ये मैंने बना ली। अगर इस पाउडर को मेजर करके देखा जाए तो ये आधा कटोरी जितनी आती है। चंक्स एक कप थे, पाउडर करने के बाद ये आधा कप ही अभी आया है। जिनको ग्रैन्यूल्स यूज़ करने हैं डायरेक्टली, जो मार्केट में रेडी अवेलेबल होते हैं, वो आधा कप जितने, मतलब आधा कटोरी जितने ग्रैन्यूल्स इस रेसिपी में यूज़ करेंगे। अब गैस पर एक तरफ मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा है। पानी अंदाजे से ही रखा है, इतना हमें नहीं लगेगा। मैंने पानी को अच्छा बॉईल कर लिया है। एक तरफ मैंने प्लेट में वो ग्रैन्यूल्स भी निकाल लिए हैं। पानी हमें बिल्कुल संभल कर चम्मच से ही डालना है, केवल 5 या 6 चम्मच, इतना ही पानी हमें इसमें यूज़ होगा। पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, चम्मच से ही मिक्स करना है। पानी डालने से ये जो ग्रैन्यूल्स हैं, जो अभी पाउडर के फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, ये भीगेंगे और भीग के थोड़े से फूल जाएंगे। तो बिल्कुल बारी बारी से हल्का हल्का पानी डालें, मिक्स करते जाएँ। और अगर आपको लगे बाद में, इन्हें एक बार हाथ से चेक करके भी देख लेना, कुछ दाने अगर कड़क से रह गए हो, वो भीग ना पाए, तो उन्हें हाथ से निकालकर छांटकर आप अलग कर लीजिएगा और आपके पास घर में बने ग्रैन्यूल्स तैयार होंगे। तो आप इस प्रकार से इन्हें भिगा सकते हैं। अब हम इन्हें बाजू में छोड़ते हैं और बना लेते हैं स्टफिंग। अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई रखी है, इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा बटर, और क्योंकि बटर जले नहीं, इसके लिए हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। और अब हम इसमें डालेंगे लगभग 1.5 चम्मच जितना अदरक लहसुन, दोनों मिला के हैं, मैंने कूट कर यूज़ किया है। आप चाहे तो पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.5 चम्मच जितना डालना है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जितनी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। ये एकदम तीखी वाली हरी मिर्च है, इसलिए मैं सिर्फ 1 ही चम्मच डाल रही हूँ। अब मैं कटोरी से नाप के आपको बता देती हूँ कि क्या क्या सब्जियाँ कौन से क्वांटिटी में मैंने ली थी। तो कटोरी में है ये प्याज, आधा कटोरी जितना प्याज मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, और जिसको लंबे टुकड़ों में कट किया है। ये प्याज के लच्छे हम इसमें मिला देते हैं और प्याज को अच्छा हम कुक कर लेंगे गोल्डन होने तक। फिर हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च डालना वैसे ऑप्शनल है, लेकिन अगर डालना चाहो तो इसका रेशियो बहुत कम रखिएगा, सिर्फ 1/4 कटोरी। ये शिमला मिर्च को इसमें डालकर हमें अच्छे से पका लेना है। फिर हम इसमें डालेंगे ये 1 कटोरी जितने गाजर है मेरे पास। ऑरेंज कलर के गाजर आजकल मिल रहे हैं और मैंने इन्हें कद्दूकस कर लिया है, क्योंकि ये गाजर थोड़ा सा हार्ड होता है, तो कद्दूकस कर लेंगे तो जल्दी पक जाएगा। और अब हम इस गाजर को इसमें पूरा 1 कटोरी गाजर यहाँ पर डालकर इसको भी अच्छे से पका लेंगे। स्टफिंग अपने मन से अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं। आप इसमें चाहो तो पत्ता गोभी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपको सोयाबीन यूज़ नहीं करना तो सोयाबीन को स्किप भी किया जा सकता है। जो नॉनवेज खाते हैं वो इसमें थोड़ी सी नॉन कीमा वगैरह डाल सकते हैं, आप पनीर डाल सकते हैं, कई तरीके से स्टफिंग को चेंज किया जा सकता है। ये गाजर हल्के जब सॉफ्ट हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे सोया ग्रैन्यूल्स। इन्हें कैसे बनाना है, इन्हें भिगाना कैसे, ये मैंने आपको पहली वाली क्लिप में बताया ही है। और ये देखिए कटोरी में बता देती हूँ, अब ये ग्रैन्यूल्स एकदम फूल चुके हैं ना, तो फूलने के बाद अगर कटोरी में नापेंगे तो 1 कटोरी जितने आ जाते हैं फिर से। तो ये सारे हम इसमें मिला देते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद के हिसाब से नमक और 1/4 चम्मच जितनी काले मिर्च का पाउडर। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इनमें सिर्फ हल्का सा पानी का एक छींटा मारना है, क्या 2 बारी बस, क्योंकि ये जो ग्रैन्यूल्स है ना, और अच्छे से भीग के एकदम सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल अच्छे से ये, मतलब इसमें घुल मिल जाएगा। अभी आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा टोमेटो केचप या टोमेटो सॉस डाल सकते हैं, केवल 1 चम्मच जितना। एक बार वापस हम इसको मिक्स कर लेते हैं। और अगर आप चाहो इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालना तो आप डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ केवल 1 चुटकी जितना अजीनोमोटो, वो बिल्कुल ऑथेंटिक चाइनीज़ वाला फ्लेवर आए, बस इसीलिए। ये कंपलसरी है, आप डालो ही, ऐसा मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, आपकी इच्छा। और दोस्तों यकीन मानिए, ये स्टफिंग इतनी ज़्यादा यमी और टेस्टी बनी थी, ये क्लिप आपको बताई गई। मेरी डॉटर इसको ना प्लेट में लेके खा रही थी, चुपके से रिकॉर्ड करके रखा है। लीजिए, इतने में बारिश भी शुरू हो गई थी, अब मोमोज का मज़ा तो दुगना होना ही था। खैर कोई बात नहीं, हम डो लगा लेते हैं।
एक बोल मैंने लिया है जिसमें उसी कटोरी से नाप कर ये मैं डाल रही हूँ मैदा। आप चाहो तो इसको गेहूं के आटे का इस्तेमाल करके भी बना सकते। टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक डालेंगे और एक चम्मच जितना तेल। अब सभी चीज़ों को एक बार सूखा मिला लेते हैं। फिर उसी कटोरी में मैंने पानी लिया है आपको मेजरमेंट बताने के लिए, और अब पानी डालकर थोड़ा थोड़ा यूज़ करेंगे और इसका एक डो लगाकर तैयार करेंगे। डो की कंसिस्टेंसी हमें कुछ ऐसी चाहिए जिसे हम सेमी सॉफ्ट डो कह सकते हैं, मतलब ऐसा डो जो ना एकदम चपाती की तरह सॉफ्ट हो और ना ही पूरी की तरह सख्त हो, दोनों के बीच का वाला जो होता ना कंसिस्टेंसी वैसा आप रखिएगा, मतलब हल्का सॉफ्ट। तो ये डो लगाने के लिए मैंने एक चौथाई कटोरी जितना पानी यूज़ किया। बस अभी इसको मसल के हम और अच्छे से चिकना कर लेंगे। हल्का ऑयल अप्लाई करके इसको वापस से थोड़ा मसल कर हम ठीक कर लेंगे। अब डो को रेस्ट देना भी ज़रूरी है, तो केवल 10 या 15 मिनट के लिए आप इसको रेस्ट पर छोड़ सकते हैं। हर एक मेथड मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाई है, मतलब मैंने कैसे मेरे टाइम को मैनेज किया, एक काम करने के बाद मैंने दूसरा क्या किया, उसी तरीके से ये मैं आपको दिखा रही हूँ। डो लगाने के बाद जब मैंने इसको रेस्ट पर रख दिया था तो उसके बीच के टाइम में हमने बना ली थी चटनी। अब चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 टमाटर लिए हैं, अच्छे पके हुए लाल कलर के टमाटर लीजिएगा। मैंने इन्हें पीछे की साइड से क्रॉस का निशान लगा दिया है, जैसे कि जब ये उबलेंगे तो इनका छिलका आराम से अलग कर पाए। टमाटर को मैंने डाल दिया है सॉस पैन के अंदर, और साथ ही में हम डाल देंगे ये 6-7 मेरे पास सूखी लाल मिर्चें हैं। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि मोमोज के साथ जो चटनी खाई जाती है, स्पेशली मोमोज वाली चटनी, वो अगर देखा जाए तो थोड़ी स्पाइसी ही होती है। लेकिन अगर आपके घर में स्पाइसी चटनी पसंद ना की जाए तो आप इसके तीखेपन के लेवल को कम भी रख सकते हैं। तो अब ये टमाटर और मिर्चें साथ में मैंने यहाँ पर डाल दिए, और ये हम अच्छे से उबाल लेंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस 10 मिनट के अंदर हाई फ्लेम के ऊपर उबाल आ जाएगा। ये हो गया है यानी कैसे चेक करेंगे, टमाटर का छिलका अलग हो चुका होगा, मिर्चें भी साइज़ में एकदम फूल सी जाती हैं। तब आप गैस की फ्लेम को बंद करें और इसे ठंडा होने के लिए बाजू में रख दीजिए। इसे ठंडा होने में टाइम लगेगा, अभी 10-15 मिनट तो लगेंगे। फिर से हम चल लेते हैं हमारी डो की तरफ। बस 1 मिनट के लिए हम इसको वापस से थोड़ा सा मसल लेते हैं। इसका एक लंबा रोल बना लीजिएगा, इक्वल हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेना है। जिस साइज़ के मैंने मोमोज बनाए थे 1 कप मैदा में से, तो 20 मोमोज बनके तैयार हुए थे, तो ये 20 मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं। हम इसके पेड़े बनाकर एक एक पेड़ा लेके मोमोज को शेप देंगे। दोस्तों अगर आपने डो बिल्कुल सही से लगाया होगा ना, तो इसे बेलने में ना तो आपको सूखे मैदे की ज़रूरत पड़ेगी ना ही तेल की, आराम से बेला जाएगा। छोटे या बड़े जिस भी साइज़ के मोमोज आपको पसंद है उस हिसाब से बेले। बस ये याद रखें कि किनारे बारीक होने चाहिए और बीच में हल्का मोटा रखें। अब इसमें जाएगी 1 चम्मच जितनी स्टफिंग, 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग इसमें भरनी है। ध्यान से सुनिएगा, आपके मोमोज अगर इस तरीके से बनते हैं जो बिल्कुल पंचर से सिकुड़ से जाते हैं, इसकी वजह स्टफिंग भरने की प्रोसेस पर है। सिंपल सा इसका रीज़न है, मोमोज में स्टफिंग अच्छी खासी भरी जाती है। अगर आप मोमोज को तोड़ के देखेंगे ना, तो एकदम अच्छी खासी स्टफिंग होती है, एग्जैक्टली अपोजिट टू कचौरी। मतलब अगर जब हमें कचौरी बनानी होती है, स्टफिंग हम बिल्कुल थोड़ी सी भरते हैं क्योंकि कचौरी को फूलने के लिए जगह चाहिए, लेकिन मोमोज में ऐसा नहीं होता। मोमोज में अगर स्टफिंग आपने कम भरी तो मोमोज में जो वो खाली जगह रह जाती है वही जाके वो पंचर सा हो जाता है, मतलब सिकुड़ सा जाता है। तो स्टफिंग अच्छी खासी मोमोज में भरनी है, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने इसको एक गुजिया की तरह बना लिया, पहले एंड्स को बहुत अच्छे से चिपका लिया है। मैंने पानी का यूज़ नहीं किया एंड चिपकाने के टाइम, आप पानी का यूज़ भी कर सकते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। और बस ये जो गुजिया के जो दोनों एंड्स होते हैं उन्हें आपस में चिपका देना है। मतलब मैं तो कहूँगी कि ये मोमोज का सबसे ईजी वाला शेप है, और वैसे भी आपसे क्या छुपाना, मुझे दूसरे शेप सच में अच्छे से नहीं आते, यही आता है जो है। सो बस मैं इसी तरीके से सारे बना लेती हूँ। अब दोस्तों किसी को अगर ये मोमोज को 15 दिन के लिए स्टोर करके रखना है, मतलब इन्हें फ्रोज़न कैसे करें, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। जैसे अभी ये मोमोज मैंने इसे दूर दूर से रखे ना, ऐसे ही आपको किसी प्लेट या ट्रे में रखकर फ्रीजर के अंदर रख देने हैं 1 घंटे के लिए। 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये थोड़े से सख्त हो जाएंगे, अभी बिल्कुल नरम नरम से है तो थोड़े से फ्रीज में रखने से टाइट हो जाएंगे। फिर उन्हें एक एक करके आप किसी भी पॉलीथीन में पैक करके रख सकते हैं, सिंपल। तो अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई में पानी उबाल लिया है, मैंने पुरानी कढ़ाई ली है, स्टिमर तो मेरे पास नहीं है इसलिए। और अब मैंने यहाँ पर रख दिया 1 छन्नी और तेल भी लगा लिया है। एक एक मोमोज हम 1 बाय 1 सारे यहाँ पर रख देंगे। एक बारी में 10 इसमें आ जाएंगे तो मुझे 2 बैचेस में इसको स्टीम करना पड़ेगा। मोमोज स्टीम हो रहे हैं तब तक ये जो चटनी का हमारा मिक्सचर था ये भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। टमाटर का छिलका अलग कर लेंगे और इन्हें मिक्सी जार में लेना है हमें, और ये मिर्चें भी साथ ही में डाल देंगे। अब बचा ये जो पानी है इसे हम यूज़ करेंगे लेकिन बाद में छानकर। अब इसी समय हम इसमें डाल देते हैं कुछ 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, थोड़ी सी क्वांटिटी लहसुन की ज़्यादा होती है इसमें, और 4-5 टुकड़े अदरक के भी।
टेस्ट के हिसाब से इसमें जाएगा नमक और बाकी कोई भी चीज़ आपको इसमें ऐड नहीं करनी है, ना ही इस चटनी को तड़का लगता है। ये एज इट इज़ ऐसी ही खाई जाती हैं। तो बस हम इसको पीस लेते हैं पहले। अब चटनी और भी ज़्यादा स्मूथ हो इसके लिए हम पानी का यूज़ करेंगे, वही पानी, और इसे छान कर मैंने यहाँ पर डाल दिया। जितनी आपको गाढ़ी पतली चटनी पसंद है उस हिसाब से, और बस चटनी को एक बार ही पीस लेना है। आपकी स्पाइसी तीखी चटकारे वाली चटनी तैयार है। और ये देखिए, अब यहाँ पर ये मोमोज की हालत, ये भी अच्छे से पक चुके हैं। मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर इन्हें लगभग 10 से 11 मिनट के लिए स्टीम किया है। तो बस अब जो कुछ भी मुझे मोमोज के बारे में पता था, एकदम आपको मैंने स्टार्ट से लेकर एंड तक सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी हो। कैसी लगी रेसिपी, में कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही अच्छी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।